तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपक तिवारी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। आज भी मौसम बहुत ही धुंध भरा है, ये देखिए मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, जो मैं आपसे कह रहा था, टोल आश्रम में एक नया होटल खुल गया है, रेस्टोरेंट। ये देखिए यह है वो। आज हम बहुत ही ठंडा हो रहा था तो हम आश्रम नहीं गए हैं खाने। हमने सोचा यहाँ भी ट्राई हो जाएगा कि कैसे खाना बन रहा है, और यहीं खा लिया है। 60 रुपये थाली है, हाँ ज़्यादा महंगा भी नहीं है खाना। तो देखते हैं कैसा खाना बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, और देखिए आज मौसम कैसा हो रहा है। देखिए दोस्तों, आज भी मौसम काफ़ी ख़राब है। देखिए जिस प्रकार मौसम है, लगता है शाम तक बर्फ़ भी पड़ सकती है। बर्फ़ तो पड़ नहीं रही है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मगर बर्फ़ नहीं पड़ रही है इस बार। पता नहीं क्या बात है, नहीं तो यह तो बहुत ठंडा इलाका है, तो बर्फ़ भी पड़ जाती है यहाँ, मगर इस बार पता नहीं क्यों नहीं पड़ रही है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ तो यह रोड जाती है लमगड़ा को, यह जाती है शहर फाटक, या अंदर को जो रोड कट रही है वह जाती है आश्रम को, और वह जो ऊपर को जा रही है पोल से ऊपर को रोड, वह जाती है हमारे हॉस्पिटल को। और यह बना है नया रेस्टोरेंट, देखिए आप, जहां हम खाने आए हैं। और यहां नाइट स्टे की भी फैसिलिटी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कैसा खाना मिलता है यहां, फिर बनाते हैं। वैसे चाउमीन तो बहुत ही अच्छी मिल रही है यहाँ, चाउमीन बहुत अच्छी, बिल्कुल अल्मोड़े की याद आ गई, परसों हमने चाउमीन खाई। तो यह देखिए कुछ इस प्रकार है। तो यह देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार है अंदर रेस्टोरेंट। ये देखिए सीटिंग व्यवस्था कुछ इस प्रकार, ये टीवी लगा है। यह देखिए चारों तरफ रेस्टोरेंट का, मैं बाहर से दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार है यहाँ का रेस्टोरेंट जो नया बना है। और यह है एक दुकान और रसोई भी। तो ये देखिए, चलिए अभी खाना बन के आएगा तो हम दिखाएंगे आपको, बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो ये देखिए दोस्तों, आ गई है हमारा खाने की थाल, बहुत अच्छी। ये देखिए, गौरव भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये देखिए, यह है चावल, यह है राजमा, और यह आलू, जीरा राय आलू, और यह प्याज। ये देखिए अचार डाल दिया है गौरव भाई ने, ये फूल के। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार है हमारी थाल। तो आइए दोस्तों, आप भी कर लीजिए नाश्ता। दोस्तों हमने खा लिया था खाना, बहुत टेस्टी खाना था, फिर उनने टीवी चला दिया था तो मैं वहाँ शूट नहीं कर पाया, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा करके। तो ये देखिए, बारिश की बूंदें फिर से स्टार्ट हो गई हैं, थोड़ा देर रुकी थी बारिश, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो हम खा खू के आ गए हैं फिर से हॉस्पिटल। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अभी थोड़ा देर में शूट करता हूँ, थोड़ा देर में मिलता हूँ आप। दोस्तों जैसे मैंने कहा था आपको कि मौसम बहुत ख़तरनाक बन गया है बारिश आने का, तो ये देखिए बहुत ही तेज़ बारिश हो गई है फिर से आज, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और ठंड भी आप बढ़ने लगी है। लगता है कि आप बर्फ़ भी पड़ सकती है शाम तक, अगर बर्फ़ पड़ी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये देखिए आप, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको, यह देखिए आप, पता चलेगा आपको बारिश का कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए चारों तरफ आप देखिए कैसा धुंध भरा माहौल हो गया है, और बारिश देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए, इसमें पता चलेगा आपको जूम में कि कितना तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, इधर को दिखाऊं तो मैं आपको मौसम, ये देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बिल्कुल मूसलाधार बारिश। ये देखिए,
देखिए दोस्तों, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि ये देखिए गधेरा भी आ गया है। नहीं तो जाड़ों के दिनों में गधेरे आना ऐसे ही इम्पॉसिबल होता है। ये देखिए पूरी नदी टाइप की आ गई है बाढ़ जैसी, यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए नाले इस तरीके से बह के आ गए हैं, पत्ते सब नालों से। ये देखिए अभी फिर रुकी है बारिश थोड़ा देर, फिर और तेज लग रही है, थोड़ा रुक रही है तो उसके बाद और तेज बढ़ी है। वो देखिए मनीष और गौरव भी लग गए हैं रूम को रास्ता। वो देखिए मनीष की छाता होने की स्टाइल, वो आपने देखा था ना, वो छतरी लाल आता था एक नाटक, उसमें जो वो छतरी ओढ़ के रखता था।